अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर, माय नेम इज आयशा। वेलकम टू द रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट टू। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, कल जैसे हमने पिछले पूरे चैप्टर की रिवीजन की थी, आज हमने फर्दर आगे रिवीजन में आना है। और रिवीजन में आपके पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख ली थी, हमने उनके डिवीजन मेथड सीख लिए थे, हमने उसका फैक्टर ट्री मेथड सीख लिया था। आज हमने क्या सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ। स्टूडेंट्स, आप लोग ये सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी जानते हैं, आज हमने सिर्फ उसको एक दफ़ा रिकॉल करना है और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं, तो आपके पास एलसीएम क्या होता है, किसी भी नंबर को जब आप किसी भी नंबर्स के मल्टीपल होते हैं और उनमें जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो आपके पास एलसीएम कहलाता है। जैसे हमने 12 और 24 के मल्टीपल्स बनाए थे, उसमें हमारे पास लीस्ट नंबर 24 आ रहा था, तो 24 जो था तो 12 और 24 का एलसीएम था हमारे पास। सिमिलरली अगर हम एचसीएफ की बात करें, तो अगर नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है, अगर नंबर की हम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर आता है वो क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम अब स्क्रीन पर अपने क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने 5 क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को पता है स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर दिए गए होते हैं उनके फैक्टर्स बनाते हैं, उनके सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और उन फैक्टराइजेशन में से जो फिर हम उनको क्या करते हैं, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। और इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पास हाईएस्ट इंडेक्स नोटेशन आती हैं उनको लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो आंसर गिवन आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो आपने नंबर्स के एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। वैसे आपको नंबर 48, 60 और 280 फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और चाहें तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और ये सारे मेथड आप पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उनकी प्रैक्टिस के थ्रू आप लोगों ने यहाँ से अपने आप का सेल्फ टेस्ट लेना है कि क्या इन क्वेश्चंस में आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को अपना एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करना आएगा, और फर्दर प्रैक्टिस के लिए इस बुक में जो आपके पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज से ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।